अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। मैं आया हूँ फौजी बशीर वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म पे। यहाँ पर आप लोग जो कबूतरों का सेटअप देख रहे हैं, लास्ट टाइम इस सेटअप को मैंने कवरेज किया है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल है बहुत ज्यादा। बहुत से दोस्तों को होता है मोरों का शौक अपने घर में, अपने गार्डन में, अपनी छत पे रखने का, तो यहाँ पे तकरीबन 400 के करीब मोर मिल जाएगा ब्रीडिंग के लिए भी और पट्ठा पट्ठी भी मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं मेरे आप राइट साइड पे, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये चेक करें, यहाँ पर ये आपको ब्लू शोल्डर का एक यूनिट नजर आ रहा है जिसमें एक मेल और तीन फीमेल्स हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें क्या नजर आता है। तो यहाँ पर आपको ब्लैक शोल्डर का एक सेट नजर आ जाएगा, इसके अंदर एक ब्लैक शोल्डर की फीमेल है, एक मेल है और एक कॉमन व्हाइट का उसके साथ पीस है। ऐसे चलते 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 यहाँ पर अगर आप आएंगे तो जितने पिंजरे हमारे इस तरफ हैं उतने ही केजीज आपको इस तरफ भी नजर आ जाएंगे। बहुत बड़ा ये फार्म है और यहाँ पर 400 के करीब सेट लगा हुआ है जिसमें आपको बच्चे भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको बड़े भी मिल जाएंगे। अभी हम चलते हैं फौजी बशीर की तरफ और उनसे जाके वन बाय वन पूछते हैं कि कौन कौन सी नस्ल, कौन कौन सा कलर और किस तरह आके आप लोग यहाँ से लेके जा सकते हैं, किस टाइम आपसे रब्ता करें या आपको डिलीवरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी बातें उनसे पूछते हैं। चलते हैं हम लोग फौजी बशीर के पास। जनाब जी, क्या हाल है? ठीक है, ये हमारे फौजी हैं। अच्छा, क्या दिखा रहे हैं आज आप हमें, हमारे दोस्तों के लिए क्या क्या पड़ा है? पहले तो आपको मैंने पिजन दिखाए हैं और अभी आपको मैं मोर दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले कौन से दिखा रहे हैं आप मोर, ये कौन से मोर हैं? ये माशाल्लाह एक ब्लू शोल्डर का खड़ा है, ठीक है, एक सिल्वर पाइट की मादा खड़ी है, एक ब्लैक की खड़ी है, एक ब्लू की खड़ी है। इसमें इसमें सबसे ज्यादा रेयर सिल्वर पाइट की है, सिल्वर पाइट की। आगे आ जाए। अच्छा, मुझे ये बताते जाए आप के बताते चले आप के आपके पास बच्चे वगैरह कब से आने शुरू होंगे? जनवरी में अंडा स्टार्ट हो जाता है, फरवरी में बच्चा, लेकिन अभी आपसे पट्ठा पट्ठी मिल जाएगा। पट्ठी पट्ठा वो 6 से 7 महीने की एज का मिल सकते हैं, 6 से 7 महीने की एज का। ये कौन सा है? ये ब्लैक शोल्डर है। सही हो गया जी, ब्लैक शोल्डर वो था, ब्लू शोल्डर सिल्वर, ब्लू शोल्डर साथ सिल्वर पाइड की मादा, साथ ब्लू की मादा, साथ में ब्लैक शोल्डर की मादा। ओके जी, अच्छा अब आप बशीर भाई क्या दिखाएंगे आगे? यहाँ पे भी वही लगा हुआ है। कितने सेट लगे हुए हैं ब्लैक शोल्डर के आपके पास? ब्लैक शोल्डर के माशाल्लाह 7 सेट लगे हुए हैं मेरे पास। 7 सेट लगे हुए हैं। ये जो पिंजरे छोड़ते आ रहे हैं ब्लैक शोल्डर है, ब्लू शोल्डर छोड़ के आ रहे हैं। हाँ, ब्लू शोल्डर भी है, ब्लैक शोल्डर। ये देखें यहाँ पे भी लगे हुए, आगे लगे हुए, लेकिन हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आगे तकरीबन ये इतने सारे पिंजरे छोड़ने के बाद एक डिफरेंट म्यूटेशन आई है, डिफरेंट वैरायटी आई है, ये कौन सा है, सिल्वर पाइड है या कॉमन पाइड? ये कॉमन पाइड में है और बहुत ही अच्छा है। हाँ, इसकी नेक बड़ी प्यारी है, ग्रीन वो वाइट शेड आ रहा है और इसके शोल्डर्स भी वाइट आ रहे हैं। तो फीमेल कौन सी है इसके साथ? इसके साथ ब्लू शोल्डर के लगा, इसका जो चेक्स निकला बहुत ही खूबसूरत में होता है। डन हो गया, तो इसमें से सिल्वर भी तैयार हो जाएगा ना? इसमें भी सिल्वर तैयार हो जाएगा, इसमें सिल्वर भी तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, ये कौन से हैं? ये ब्लू शोल्डर खड़ा है जो दिखा दिए हमने, ये वो भी दिखा दिए हैं, वो दिखा दिए हैं, ठीक है। और ये वाले कॉमन व्हाइट की फीमेल खड़ी है और एक व्हाइट की खड़ी है, उसके साथ एक ब्लैक। अच्छा, ये दिखाने का असल में दोस्तों आप लोगों को मकसद ये है कि इन सब के पट्ठे पट्ठियां भी आपको दिखाएंगे जो कि आप दोस्तों के शौक के लिए आप लोग अपने घरों पे रख। ओके जी, अभी हम चलते 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 वो सारे के छोड़ते हुए आगे आ गए हैं और अभी आपको पट्ठे पट्ठियां भी दिखाते हैं जो आप दोस्तों के लिए हैं। तो यहाँ पे क्या लगा है? ये ब्लैक शोल्डर का पेड़ लगा हुआ है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, ये ब्लैक शोल्डर की फीमेल और ये ब्लैक शोल्डर का मेल, ये ब्रीडर है ना? ब्रीडर है माशाल्लाह, ब्रीडर है। अच्छा बशीर भाई, ब्रीडर वगैरह भी मिल जाएंगे क्या? नहीं जी, बिल्कुल मिल जाएंगे, ब्रीडर भी मिल जाएंगे दोस्तों को। चलते चलते आए हैं, साथ बताएं कि ये जगह कहाँ पे है। जिस्ता खानवाल, तहसील कबीर वाला, रंगपुर मेन स्टॉप है। ठीक हो गया, तो आपको भी नंबर वगैरह भी इनका देते हैं कि किस तरह से रब्ता होगा। इसको खोलें जरा, ये ब्लैक शोल्डर है, ये भी माशाल्लाह ब्लैक का मुझे लगता है वो काफी शौक है ना? जी बिल्कुल, ये एक नया वैरायटी है, बहुत ही ज्यादा, मतलब इसके शोल्डर्स देखें बहुत डार्क हैं, तो काफी खूबसूरत चीज है। ये देखें यहाँ पे मादी है, दो ब्लैक की खड़ी, यूनिट खड़े हुए इनके पास, यूनिट पे यूनिट सारे लगे हुए हैं। उसके बाद आगे व्हाइट, फिर से कॉमन व्हाइट, कॉमन व्हाइट के नर नहीं है आपके पास? वो नहीं है, मादियाँ ये खड़ी हुई है कॉमन व्हाइट की, ये बिल्कुल पेपर व्हाइट है। तो अगर किसी को चाहिए हो ये तो मिल जाएंगी कि ये? बिल्कुल मिल जाएंगी, दिखा देते हैं ये भी किसी को मादियां चाहिए हो। ये ब्रीडर है? ये ब्रीडर मादा है, बड़ी मादे हैं, किसी दोस्त को चाहिए हो, किसी के पास नर हो इसका, तो ये एक मादा ये खड़ी हुई है, एक मादा ये खड़ी हुई है, तो ये दोनों आप दोस्तों को मिल जाएगी अगर किसी के पास नर पड़ा हुआ है। तो क्या हम जहन में रखें इसका क्या जुर्माना होगा अंदाजन? 20,000 में एक मादा मिलेगी, 20 तक की एक मिल जाएगी, किसी की समझ में आती हो तो हम इनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, नर की ज्यादा डिमांड है या मादा की?
एक्चुअली इसमें वराइट पे डिपेंड करता है, जितनी अच्छी वराइटी होगी उसका उतना ही रेट होगा, बाकी ये जो व्हाइट है इसका तो बहुत ज्यादा। ये तो फिर वो ब्लैक आ गया ना, ब्लैक शोल्डर, ब्लैक शोल्डर आ गया। अच्छा ये अब इनका व्हाइट आ गया। अच्छा वो मादा इनके साथ नहीं छोड़ते यूनिट के तौर पे? अभी छोड़ेंगे, अभी टाइम रहता है ना थोड़ा सा, अभी टाइम है इसलिए नहीं छोड़ी। हाँ इस वजह से नहीं छोड़ी, नहीं तो इसके तीन मादा। वैसे अगर किसी को पूरा यूनिट चाहिए ये वाला नर और तीनों मादाएं तो मिल जाएंगी ना? ये बिल्कुल मिल जाएंगे, इसी हालत में मिल जाएंगे। किसी को अगर पूरा यूनिट चाहिए हो तो पूरे का पूरा यूनिट मिल जाएगा आप लोगों को, एक नर और तीन मादाएं। अच्छा यहाँ पर सारे कबूतर जो आपको नजर आ रहे हैं ये सब के सब की वीडियो आ चुकी हुई है यूट्यूब के ऊपर, यहाँ से पूरा सेटअप देख सकते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः पोर्शन हैं जिसके अंदर 120 केज एक पोर्शन में है जी। एक वन साइड पे फ्रंट पे है ना जी, जी, जी। सही है। अच्छा जी आगे आ जाते हैं जी। अच्छा ये रेड गोल्डन लगे हुए हैं, रीव्स लगे हुए हैं और ये सिल्वर लगे हुए हैं और सिल्की लगी हुई हैं यहाँ पे। इनकी वीडियोस अलहदा से आने वाली है। तो मोर के जो पटे पटियाँ या ये पटे पटियाँ लगी हुई हैं ये भी आपको मिल जाएंगे, ये मोरों के हैं। लेकिन आगे चलते हैं, आगे थोड़े बड़े साइज़ के दिखाते हैं। कह रहे हैं हम थोड़ा बड़ा करके देते हैं, छोटा जो है वो ज़ाया हो जाता है लोगों का, तो लोगों का शौक वहीं पे ख़त्म हो जाता है जहाँ पे वो ज़ाया होता है। इन्हें बाहर भी निकालते हैं आपके? नहीं हाथ नहीं आएंगे। लें जी ये यहाँ पर आपको पटे पटियाँ नज़र आ रहे हैं। बशीर भाई कितने हैं ये? 70-80 पीस खड़ा है अभी। इसमें कौन कौन सा पीस है? ब्लू शोल्डर भी है, ब्लैक शोल्डर भी है, पाइड भी है, वाइट भी है, ये चार वैरायटी में सारे चीज़। कॉमन वाइट भी मिल जाएगा, ब्लू शोल्डर भी मिल जाएगा, पाइड भी मिल जाएगा और ब्लैक शोल्डर भी मिल जाएगा, सिल्वर पाइड भी मिल जाएगा, मतलब टोटल वैरायटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। कैमियो वगैरह नहीं आपके पास? अभी ब्रीड ब्रीड अच्छा घर ही नहीं आया अभी? अभी आए नहीं है। सही है। मोरों का कितने साल से शौक है आपका? 12 साल हो गए मुझे मोर को। 12 साल। अच्छा अभी ये भी दिखा दी आपको पटे पटियाँ। अभी पता क्या सीन है, ये भी वही पड़े हैं, मैं तो इसलिए बार बार एक ही चीज़ दिखाने का फ़ायदा कोई नहीं। मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ। ये तकरीबन फोन बंद कर लें, एक दो तीन चार पाँच छः को सात के पीस करीब इसके अंदर हैं और ये सारे जितने आपको नज़र आ रहे हैं पिंजरे, ये सारे के सारे मोरों के पिंजरे हैं। भरा पड़ा है यहाँ पर मोर, जितना चाहिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। अच्छा बशीर भाई छोटे बच्चे वगैरह क्यों नहीं आप देते हैं, क्या वजह है? जी बिल्कुल मिल जाएंगे, अभी नहीं है, उसकी वैक्सीन वगैरह नहीं होती, अभी है भी नहीं, तो मेरी कोशिश होती है कि कोर्स उनका कंप्लीट हो जाए ना फिर से लेकर ताकि आगे जाकर जाए ना। अच्छा कोई खरीदे कम से कम कितने महीने के बच्चे खरीदे हैं, कितने दिन के खरीदे? कम से कम एक महीने से अब खरीद लें, कम लेंगे ना तो उसकी वैक्सीन वो कोर्स मुकम्मल नहीं, प्रॉब्लम होगी होगी, प्रॉब्लम होगी। एक महीने से कम चूजा ना ले, एक महीने से अबाउट जो ही चूजा हो वो। अच्छा आम बंदा जो घर में शौकिया रखता है ये दो चार पाँच, उसको क्या क्या मसले आते हैं ये मोर के बच्चे पालने में? कोई मसला भी नहीं आता, अगर हल्का फुल्का उनको नज़ला या बुखार हो तो ब्रूफन सिरप वगैरह डाल दिया करें, नहीं तो फ़ोन नंबर पर रब्ता कर लें आपको इस हालत में जो है। अच्छा आप मतलब किसी ने कुछ मसला पूछना हो तो वो आप गाइड कर देते हैं ना? बिल्कुल, वो होता है ना कि बंदा तंग आ जाता है यार, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है। तो आप एक काम करें ना, फिर एक तो एड्रेस आपने बता दिया अपना कहाँ पे है वगैरह जी, 0300-736-7972 ये मेरा रब्ता है। कितने बजे कितने बजे तक करना है ये भी बता दें, लेकिन आप अगर कोई मसला हो तो आप रात 12 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं। अच्छा सुबह 8 से रात 12 बजे तक कॉल कर सकते हैं। सही है, रात को 2-2 बजे ना करें। हाँ लेकिन 12 बजे तक ठीक हो गया। और व्हाट्सएप वगैरह भी चल रहा है कि नहीं? इसी नंबर पर व्हाट्सएप बना हुआ है, जिस दोस्त ने एक वीडियो मंगवानी है तो वो आप इसे मंगवा सकते हैं। अच्छा एक ना मुर्गी में मसला आता है, इसको फीड खिलाते हैं ना इसके घुटने खराब हो जाते हैं, घुटनों से रह जाती है। मोर में तो नहीं मसला आता? मोर में ये मसला नहीं है, अक्सर इनको विटामिन वगैरह डालें तो इंशाल्लाह ये मसला। जिस तरह मुर्गी के घुटने फिर जाते हैं मोरों के फिरते हैं? नहीं उनके नहीं फिरते, मुर्गी के फिरते हैं, लेकिन वो भी इतने ज्यादा नहीं। हाँ इनको विटामिन वगैरह दें तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। मतलब पाले हम फीड पे? हाँ फीड पे चलें जी, ग्रोथ बेहतरीन हो गया जी, बेहतरीन हो गया। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को मोरों के बच्चे या बड़े मोर या वाइट कलर में, कैमियो कलर में, किसी भी मतलब कलर में कोई चीज चाहिए हो या कबूतर वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो आप फौजी बशीर वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म पे आके रब्ता करके देख के पसंद करके अपनी दिल की तसल्ली करके लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर तो इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के अंदर। अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके कॉमेंट्स करके बताएंगे और क्या देखना चाहते हैं आप लोग। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।